डियर स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में माई नेम इज निकिता एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए बिकॉज आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं हमारे राइटिंग सेक्शन को एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइटिंग सेक्शन जो है ना वो ऑब्वियसली बात है मैंने बहुत सी क्लासेस में बताया है राइटिंग इज अ स्किल जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डेवलप करते हैं लेकिन अब तो यार टाइम नहीं बचा हमारे पास डेवलप करने का तो टेंशन ना लो मेरे पास बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिससे कि अगर किसी किसी का राइटिंग सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है वो तो बहुत

ठीक है और एक होने वाला है आपके पास शॉर्ट राइटिंग टास्क सो फर्स्ट जो है आज की क्लास में मैं फोकस कर रही हूं आपके लॉन्ग राइटिंग टास्क के ऊपर सो दिस इज योर लॉन्ग राइटिंग टास्क और इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पास ना पहली बात कि बच्चे आपके पास ये फाइव मार्क्स का आता है ठीक है फाइव मार्क्स का आता है और इसमें ना चॉइस रहती है आप या तो कर सकते हो लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन और एल्स यू कैन फोकस ऑन रिपोर्ट राइटिंग आल्सो ठीक है आपके पास इन दोनों में से ऑप्शन रहता है सेक्शन uh, ए है ना हमारा राइटिंग है कि नहीं सेक्शन ए और मे बी आई एम तक मैंने so, रिपोर्ट राइटिंग आता है फाइव मार्क्स का रहने वाला है अब हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रहने वाली है कि फाइव मार्क्स में है ना हम लेकर चलेंगे कि हमारे uh, जो है फोर प्लस तो इजीली होने चाहिए फोर प्लस और थ्री प्लस बट मैं बोलूंगी हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ में अच्छा so, टारगेट लेकर चल रहे मैं अपनी तरफ से पूरे फोन नंबर की तुम्हें तैयारी करवाने वाली हूँ एक मार्क तुम्हारा ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर के ऊपर है जो मैं नहीं ही ठीक करोगे इसका ध्यान रखना प्लीज ठीक है चलो सो so, आज की क्लास में मैं लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ समझाने वाली हूँ ठीक है 120 ट्वेंटी टू वन वर्ड्स की आपकी लिमिट रहती है इस लॉन्ग राइटिंग टास्क में इसको प्लीज ध्यान में रखना इससे कम मत लिखना इसको एक सीट मत करना ठीक है चलो सो so, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं ओके लेट स्टार्ट सो so गाइस अब आप यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन आप समझ गए कि लेटर किस चीज के लिए लिख रहे हो आपको नौकरी लेनी है आप जॉब एप्लीकेशन आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर आप कैसे लेटर लिखोगे और ये जो है ना ये केवल हम स्कूल के लिए नहीं अगर कोई बंदा जैसे अगर मैं हूं मैं को कहीं जॉब लेनी है ठीक है अगर मैं कहीं अप्लाई करना चाहती हूँ तो ये रियल लाइफ में आप इसी तरीके से लिखते हो ठीक है तुम्हें ट्वेल्थ क्लास में सिखा रहे हैं उसके बाद भी इफ यू आर मतलब कोई अगर ऐसा स्टूडेंट मुझे देख रहा है जो अभी एक्चुअली जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें सो दिस इज द वे आप इस तरीके से लेटर लिख करके एंड ऑल आप कर सकते हो अप्लाई अच्छा क्वेश्चन अब हम ट्वेल्थ की क्लास में वापस आ जाते हैं सो क्वेश्चन आपको किस तरीके के आते हैं बच्चे अब आपको क्वेश्चन जो आएंगे ना या तो उसमें एक पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको दिया होता है कि यार देखो तुम जो हो तुम निकता हो या मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि तुम निकता हो या तुम तुम्हारा कोई भी नाम है और आपको ना ये नीचे बॉक्स में एडवर्टीज दिया है इसको रीड करके आप ना दी गई जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो सो दैट आपके पास पूरा है देखने के लिए, पढ़ने के लिए लिए पढ़ने समझने के लिए कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें सारी गिवन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एक होता है जिसमें ना आपको बोलते हैं कि तुमने पढ़ लिया हाँ तुमने एडवर्टीजमेंट पढ़ लिया अब तुम अप्लाई कर दो इस जॉब के लिए आपने कहीं पर देखा था एक इश्तेहार लिए अप्लाई कर दो तो दोनों केस में हम क्या करेंगे देखो बच्चे अगर आपको एडवर्टीजमेंट दी हुई है पेपर में सो so ऑब्वियसली बात है केवल हमें क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है हमें एडवर्टीजमेंट पे भी पूरा फोकस करना है एंड वी हैव टू रीड इट

आपको कुछ क्वेश्चन में ना जॉब एप्लीकेशन में कुछ चीजें जो दी गई होंगी अच्छा वो क्या दी गई होंगी एडवर्टाइजमेंट दिया हो ना दिया हो स्टिल आपको क्वेश्चन में से इन चीजों को निकाल करके लेकर आना है है बाहर ना आप उसे अंडरलाइन कर देना ताकि जब तुम लिखने लगो तो जब लिखने लगो तो आपका ना टाइम बहुत इजिली मैनेज हो जाए तुम्हें तो बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े कि यार मेरा रेसिपेंट का एड्रेस कहाँ है सेंडर्स का एड्रेस कहाँ है क्या क्वालिफिकेशन है आप पहले ही हाईलाइट करके चलना सो so, आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएगा रेसिपेंट का एड्रेस यानी कि आप किस भेज रहे हो ठीक है कौन आपका लेटर रिसीव करने वाला है अब अगर सोचो कि ताज होटल में अगर एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है और आ, मैंने वो एडवर्टिजमेंट द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा है या इकोनॉमिक्स टाइम्स या आ, हिंदुस्तान

जो है एड्रेस डालने वाले हो सो so कौन है आपका रिसीवर कौन रिसीव कर रहा है ठीक है लेटर उसका एड्रेस आपको वहां से मिल जाएगा उसके अलावा क्वालिफिकेशन वो आपको बता देंगे कि यार देखो हमें ना एक ऐसी रिसेप्शनिस्ट चाहिए अब वहां पे अगर लिखा है ऐसी दैट मीनस अगर वो लड़की के लिए सर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ठीक है आप उस हिसाब से लिखोगे हाँ कई बार ना बता देते रियल लाइफ सिनेरियो अगर मैं बताऊं कई बार बता देते कि हम वी आर लुकिंग फॉर अ मेल कैंडिडेट और वी आर लुकिंग फॉर अ फीमेल कैंडिडेट वो ध्यान रखना क्वालिफिकेशन क्या कि कम से कम यार उसने ना ग्रेजुएशन कर रखी हो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें ये चाहिए कंप्यूटर उसे बहुत अच्छे से चलाना आता हो और बहुत ही फ्लुएंट हो अपनी इंग्लिश में ये सारी चीजें वो आपको बता देंगे है ना क्योंकि फ्रंट डेस्क जॉब होता है उसमें तो चाहिए कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज इंग्लिश अच्छे से प्रेजेंटेबल हो वो इंसान सो so, आपको क्वालिफिकेशन बता देंगे आपको वो क्वालिफिकेशन भी क्वेश्चन में मिल जाएंगे और उसी को आपको मैच करना है. भाई ये थोड़ी कि हमें रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए एक बंदी चाहिए और यहाँ पर जो है यहाँ पर जब किसी ने कभी कंप्यूटर का सी नहीं देखा है ना इंग्लिश का ई e नहीं देखा वो उठा करके चल देगी हमें नौकरी मिल जाएगी क्वालिफिकेशन मैच कर रहे हो कि नहीं हम जैसा कैंडिडेट चाहते हैं आपके अंदर वो खूबियां हैं तो अप्लाई करो सो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैच करनी पड़ती है ठीक है स्किल्स बता देंगे कि जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर है ना और इंग्लिश uh, स्पीकिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए ये स्किल्स हैं वो बता देंगे कि यार हमें ग्रेजुएट बंदा चाहिए या हमें बारहवीं पास चाहिए कुछ भी हो सकता है आपकी जो जॉब आएगी जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन बदलेगी कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब जानता हो उसके अंदर ये स्किल्स होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए उसको अच्छे से बोलना आना चाहिए अच्छा, uh, क्वेश्चन में कि ऐसे बंदे को हम ढूंढ रहे हैं नौकरी के लिए पोजिशन बता देंगे कि रिसेप्शनिस्ट है डेस्क जॉब है एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि उसमें दो साल का एक्सपीरियंस तो हो कम से कम ताज एक बड़ा अच्छा होटल है हम ऐसे किसी नूब बंदे को नहीं बिठा सकते हमें चाहिए प्रो हमें हमें चाहिए कैसा बंदा जो पहले से एक्सपीरियंस हो सो so, ये सारी डिटेल्स तुम्हें क्वेश्चन में से बस आपको क्या करना है आपको टाइम सेविंग ट्रिक्स वहां पे अपनानी है कैरी अ पेंसिल और वहां से अंडरलाइन करते चलना कि ये मुझे इंपॉर्टेंट uh, चीजें मिलती जा रही है अब बस क्या है अब जब मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे इनको पिक आउट करके अपने आंसर में डालना है दैट्स इट सो आपका सबसे पहला जॉब एप्लीकेशन में जो गिवन चीजें हैं वो ये हैं ये सभी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा बस इसको ढूंढ लेना ठीक है ओके okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं सो जॉब एप्लीकेशन अब लिखा कैसे जाता है बच्चे आपको ना वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव टू सीधा लिखा होगा जस्ट कि अप्लाई फॉर द जॉब लिखा होगा है ना वो बोलेंगे राइट अ लेटर एंड अप्लाई फॉर द जॉब वो आपको कह सकते हैं बायोडेटा और कवर लेटर दोनों लिख दीजिए वो केवल कहेंगे अप्लाई कर दीजिए वो दुनिया जहान का कुछ भी कहें आपको दोनों ही चीजें लिखनी है आप कोई एक चीज मत लिख लिखकर क्या है ना हमारे फाइव मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं भाई एक एक नंबर हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमें हमारा टारगेट क्या है फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी लेकर आना सो एक एक चीज हमारे लिए जरूरी है अब आपको कुछ भी बोले कि भाई केवल अप्लाई कर दो तब भी दोनों चीजें लिखोगे वो बोले कि कवर लेटर और बायोडेटा दोनों लिखो तो तब तो लिखना ही लिखना है कहें ना कहें हमें नहीं फर्क पड़ता है ना हमें तो दोनों चीजें लिख आनी है दैट्स इट सबसे पहले इस चीज को समझ लो कि जॉब एप्लीकेशन अकेले इसको नहीं कहेंगे हम ये दोनों कंबाइंड होता है फाइन सो so उस ट्रिक में मत पड़ जाना कि उन्होंने नहीं बोला तो हमने नहीं लिखा ध्यान से सुनो इस बात को और इसको ध्यान रखना ठीक है चलो सो so, अब एक एक करके हम बेटा इसको देखना चालू करेंगे कि इसे कैसे लिखना होता है क्या करना होता है सो so, देखो कवर लेटर ना अब सुन करके बहुत से बच्चे जो है पहली घबरा जाते हैं कवर लेटर कुछ भी नहीं है कवर लेटर केवल फॉर्मल लेटर है इसका कोई अलग फॉर्मेट नहीं होता केवल फॉर्मल लेटर जैसे आप लिखते हो नॉर्मल लेटर्स अभी तक लिखते आए हो इलेवन स्टैंडर्ड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक वैसे ही लिखना है जस्ट एक फॉर्म लेटर है तो पहले हम इसको देखते हैं ठीक है क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी छोटी होगी लेकिन अगर बहुत ध्यान रखोगे बहुत ध्यान से सुनोगे सारी चीजें समझ में आएंगी और आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे ठीक है और ये बहुत ईजी भी है यार क्योंकि मार्क्स हमारे केवल सॉरी वर्ड्स में हमें पूरे पूरे पांच मार्क्स मिल जा रहे हैं समझ रहे हो ना और हमें हमारा टारगेट क्या है फोर प्लस सो सिली मिस्टेक्स मत करना कि कवर लेटर लिख दिया बायोडेटा नहीं लिखा कवर लेटर का फॉर्मेट जो है वहां पे सोच रहे हैं कैसा फॉर्मेट है क्या लिखते हैं नॉर्मल फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है. है।, अच्छा, है तो एकदम ऐसे अपन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बोल रहे होते हैं तो कभी अगर लगे की यार, यार, ये तो थो, थोड़ा सा स्लो कर लेना और अगर लगे ज्यादा स्लो है तो फास्ट कर लेना टूल्स हैं तो तुम्हारे पास यूज इट चलो सो so, अब आ जाते हैं हमारे कवर लेटर फॉर्मेट दैट मीन हमारा फॉर्मल लेटर कुछ भी बोले हमें ना सही शब्दों में देखो डी -कोडिंग. होता है ना एक ऐसे भाषाओं में तुमने ऐसी आ, स्पाई मूवीज नहीं देखी स्पाई मूवीज में क्या होता है कुछ भी लिखा होता है लेकिन जेम्स बॉन्ड जो है वो पता लगा लेता है क्यों क्योंकि मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जा रही हूँ अच्छा ठीक है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा होगा ठीक है तुम जेम्स बॉन्ड हो तुम्हारे सामने लिखा है कवर लेटर तुम्हारे सामने मुश्किल से मुश्किल भाषा में लिखा होगा तुम्हारी नजरें इतनी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अब तक इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल चुकी है कि कुछ भी डिफिकल्ट लिखा हो तुम उसे ईजी तरीके से ट्रांसलेट करके समझ सको यू हैव टू बी दैट जेम्स बॉन्ड तुम्हें जेम्स बॉन्ड बनना है कवर लेटर लिखा है तुम्हें पता होना चाहिए अरे यार फॉर्मल लेटर की बात हो रही है बाकी बच्चे कंफ्यूज होते रह जाएंगे

एडवर्टाइजमेंट दिया होगा नहीं दिया होगा इट ड मैटर सेंडर्स एड्रेस दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वहां से उठा लेना नहीं दिया है उस केस में क्या करें कुछ भी नहीं लिखना है एक्स वाई जेड अपना आ, लिख दीजिए या फिर एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए अपने घर का पता मत लिख करके आना प्लीज कहीं कोई घर का पता लिख रहा है कि हाँ 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 वही वो चिंटू बैंड बाजा के सामने से एक चौराहे के बाजू में एक डॉगी जो है वो पेपर फाड़ रहा होगा उसके बाजू से राइट ले लेना वहीं पे चौथा मकान है मेरा ऐसे प्लीज अपना घर का पर्सनली एड्रेस डाल करके मत आ जाना यार दिस इज वेरी इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर लिख रहे हो आप वहां पर या तो अपना एग्जामिनेशन हॉल लिख करके आओ ठीक है और उसका पता डाल दो कुछ भी मेक इट अप बट बहुत फॉर्मल होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल ठीक है न्यू डेली और टू वन एक्स 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 जो भी तुम्हारा पिन कोड है ठीक है आप वो डाल दीजिएगा वहां पर That's it. उसके अलावा कुछ नहीं फिर जहां पर बेटा मैंने लाइन छोड़ रखी है ना यहां पर आपको भी लाइन छोड़नी है ठीक है इट विल मेक योर लेटर मोर प्रेजेंटेबल मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज अगर सेगमेंटेशन है प्रॉपर तरीके से समझ रहे हो अगर आपने सही तरीके से सब कुछ क्लियरली लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है सेगमेंटेशन करिए सब चीजों की तो जो आपका क्वेश्चन पेपर रीड कर रहा है यानी कि आपका जो एग्जामिनर है जो आपको मार्क्स वहां पर अलॉट करने वाला है उसके लिए पढ़ना आसान हो जाता है तो कुछ भी मैसेज जो आप बना देते हो ना अपने आंसर को उसमें चांसेस क्या होते हैं कि आप ना अपने एग्जामिनर को परेशान कर रहे हो अब उसे खोद खोद के पढ़ना पड़ेगा जितना वो ध्यान से पढ़ेगा उतनी मार्क्स में उतनी गलतियां निकल सकते हैं उतने मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है सो दैट मीनस कि आपने थोड़ा सा खुश कर दिया उसका काम आसान कर दिया तो वो बेसिकली ऊपर से देखेंगे क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत सारी कॉपीज होती है ऊपर से देखेंगे बोलेंगे भाई बच्चे ने मेहनत करी है दैट्स इट है ना तो इतनी गलतियां इतनी छानबीन नहीं करेंगे इतनी गलतियां नहीं निकलती सो इसको प्रेजेंटेबल बनाना इसके बाद लाइन छोड़ना फिर डेट आएगी अब डेट बच्चे कैसे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ की आज क्या बोले तुम्हारा पेपर है थर्टीन्थ में अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल आज थर्टीनथ में है तो बच्चे क्या लिख करके आते हैं है ना एक तरीका होता है इस तरीके से लिखने का ओके okay. चलो पूरा ही लिख करके दिखा देते हैं सो थर्टीन जीरो फाइव टू टू क्या है भाई ऐसे नहीं लिखते हैं दिस इज रॉन्ग एक्सटेंडेड फॉर्म होनी चाहिए थर्टीन जीरो फाइव टू टू दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग इस पे मार्क्स कटेंगे आपको कैसे लिखना है थर्टीन में 2022 20, your year and your month and your day. कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में आप लिखोगे बच्चे इस तरीके से आपकी डेट जानी चाहिए ठीक है एक एक चीज का ध्यान रखो और पता है मैंने क्यों बोला यहाँ पे फाइव मार्क्स बहुत इजीली तुम्हारे जेब में आ सकते हैं मैंने इसलिए कहा था बिकॉज फॉर्मेट अगर आप writing section आपका राइटिंग सेक्शन में बेसिकली आपका फॉर्मेट मैटर करता है जिसने फॉर्मेट बहुत ध्यान से लिखा है बहुत प्यार से किया है वो बहुत ईजिली जो है मार्क्स गेन कर लेगा जिसने फॉर्मैट में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो फिर तो यार कैसे बचाएंगे हम भी तुम्हें फॉर्मैट बहुत ईजी है फॉर्मैट का ध्यान रखना ठीक है चलो अब आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको आप भेज रहे हो तो बच्चे अब देखो यहां पर ना क्या होता है कि आपको या तो दिया होगा कि यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट इन अस्टीज कोई सा भी होटल हो सकता है आपको अकाउंटेंट की पोजीशन पे भी आ सकता है मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आपको कुछ भी आ सकता है वहां पर आप एक मैथ्स टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो एक बहुत से प्रस्टिजियस होटल में आप अप्लाई कर रहे हो ताज होटल जैसे हो गया है ना या फिर आप एक अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप डॉक्टर की जॉब के लिए आप टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो कुछ भी हो सकता है डेटा एनालिस्ट ठीक है कुछ भी हो सकता है वहां पर सो so, आप अब आपको पता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप किसको लेटर भेज रहे हो तो देखो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आप किसी कंपनी में भेज रहे हो है ना और कोई देखो अगर टीचर की जॉब है तो वहां पर सी बात है प्रिंसिपल को लिखोगे है ना वही देखेगा इन सब मैटर्स में और अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट की आ, कोई जॉब है या अकाउंटेंट वगैरह है तो वहां के आप एच हेड को लिखोगे मैनेजर वगैरह को लिखोगे अच्छा होटल है तो होटल में आप किसको लिखोगे वहां पर आप के मैनेजर को लिखोगे ठीक है तो ये चीजें पता होनी चाहिए कंफ्यूज हो जाओ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तब मैं क्या करूं अब यहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा एचआर देना ठीक है वरना तो दिया होगा बच्चे अगर दिया है तो आप उसी को लिखो नहीं दिया है तो सेफर साइड के लिए उनकी डिजिग्नेशन आती है पहले आज सोचो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि तुम इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ठीक है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल बना लेते हैं कि मैं निकिता ठीक है मेरा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है इंग्लिश विद निकिता सिंह ठीक है है इंग्लिश सिंह नाम से मेरा एक चल रहा है। उसके अंदर मुझे ना एक असिस्टेंट टीचर चाहिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया से दैनिक जागरण में मैंने एक एडवर्टिजमेंट डाल दिया है कि रिक्वायर अ असिस्टेंट टीचर एंड असिस्टेंट टीचर असिस्टेंट इंग्लिश टीचर ठीक है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो सो so, अब यहां पर इस केस में आप अपना सेंडर का एड्रेस लिख दोगे आप डेट लिख दोगे कि मैं थर्टीथ मे को अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां का रहने वाला हूं डेट अगर ये एड्रेस मिल जाता है क्वेश्चन पेपर में वेल एंड गुड नहीं मिलता है एक्स वाई जेड एग्जामिनेशन हॉल लिख करके खत्म करा अब रिसीवर एड्रेस अब ये खत तो आप मुझे लिख रहे हो है ना अप्लाई कर रहे हो ये तो मेरे मैं रिसीव करूंगी मैं पढ़ूंगी सो यहां पर क्या लिखे सो आपको इंस्टीट्यूट का नाम पता है बच्चे क्या करते पहले इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं इंग्लिश में निकिता सिंह फिर उसके बाद नाम लिख देंगे जो भी वहां का मैनेजर है या ठीक है हेड ओके अच्छा अब यहां पर क्या होता है कि ऊपर नीचे कर देते हैं लेकिन आपको समझना चाहिए रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले आती है उस बंदे की डेजिग्नेशन किसको लिख रहे हो एचआर हेड को लिख रहे हो प्रिंसिपल को लिख रहे हो किसको लिख रहे हो आप मैनेजर को लिख रहे हो सबसे पहले उसकी डेजिग्नेशन डालो ठीक है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी कि उसके बाद आप क्या लिखोगे उसके बाद आप लिखोगे वहां पर इंग्लिश विद सिंह जो भी इंस्टीट्यूट है 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 ना उसका नाम फिर आता फुल एड्रेस की न्यू दिल्ली दिल्ली या फिर जो भी है है न्यू ठीक कौन सी रोड है मोतीबाग जो भी तुम्हें लिखना है वहां पर वो आपके ऊपर है एड्रेस आपको दिया होगा नहीं दिया होगा तो एक बहुत ही प्यारा से एड्रेस बना लेना ठीक है सिटी स्टेट वगैरह सब कुछ डालने के बाद पिन कोड पिन कोड बहुत से बच्चे ऑप्ट करते हैं कि इसे नहीं लिखें लिख देना यार अगर पिन कोड नहीं पता है तो ऐसे सिक्स टाइम्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम एक्स 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 ऐसे करके लिख देना

असिस्टेंट इंग्लिश टीचर सिंपल ठीक है डन सो आपने ये भी लिख दिया ये तो ईजी है वो भी आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा लाइन छोड़कर हम आते हैं हमारे सैल्यूटेशन पर सैल्यूटेशन में सर एंड मैम प्लीज डोंट गो फॉर रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम डियर सर डियर मैम इन सब चीजों के लिए बेटा मत जाना ठीक है इतने में आप उसे कर लेना कवर सर एंड मैम दैट्स इट दिस इज फॉर्मल अपन डियर सर डियर मैम पे नहीं जाते ना रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम पर जाते हैं ठीक है थीके? हाँ सो so, ये आप लिखेंगे अब आती है बॉडी ठीक है अब जैसे कि आप जानते हो बेटा बॉडी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है इंट्रो ठीक है उसका बीच का डिटेल एंड देन आपका कंक्लूजन है ना आपकी बॉडी ऐसे थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है वन टू एंड थ्री फाइन और उसके बाद जब आप सब लिख लेते हो है ना आपका बॉडी यानी कि इंट्रोडक्शन आ गया आपकी डिटेल्स आ गई आपका कंक्लूजन आ गया फिर सिंपल आप क्या लिखोगे फेथफुली योर फेथफुलरली अपना नाम लिख करके खत्म करोगे लेटर को सो so बेसिकली आपका लेटर कैसे जा रहा है बेटा सेंडर का एड्रेस लाइन डेट लाइन रिसीवर का एड्रेस लाइन फिर क्या आया था हमारा सब्जेक्ट ठीक है फिर लाइन फिर सैल्यूटेशन फिर एक लाइन छोड़ करके फिर आपकी यहां पे आ जाती है बॉडी जो कि थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है इंट्रो डिटेल एंड कंक्लूजन फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके थैंक्स योर योर्स जो भी आप लिखना चाहो सिंसियरली फेथफुली और आपका नाम सो so बेसिकली ये है आपका पूरा फॉर्मेट जो तुम बचपन से करते आ रहे हो बेटा वही आपको यहां पर नोट करना है वही आपको लिखना है कुछ चेंजेस नहीं है चेंजेस तो आते हैं बॉडी में सो so अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से इस स्किल के साथ इक्विप्ड हैं जिनको अच्छे से आता है राइटिंग सेक्शन तो वो अपने आप अपनी बॉडी भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं वैसी बॉडी मेंटेन करने का नहीं कह रही मैं जिम में जाना मतलब कि बॉडी बहुत अच्छे से वहां पे तुम लिख पाओगे ठीक है हमारे लेटर की बॉडी तुम्हारी बॉडी नहीं है सो हाँ. so, वहां पे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करोगे आप वहां पे इंट्रोडक्शन भी दे दोगे आप डिटेल्स भी लिख लोगे आप कंक्लूजन भी दे दोगे ठीक है फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर क्या क्या आने वाला है सो so, बॉडी में आप इंट्रोडक्शन दोगे किस चीज़ का आप इंट्रोडक्शन दोगे अपना आपने ये कहाँ पर देखा आपको एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखने को मिला कौन सा न्यूजपेपर था है ना कौन सी डेट को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिला आप इंट्रोडक्शन दोगे ठीक है फिर उसके बाद आप अपनी डिटेल्स बताओगे आपने बता दिया कि भाई देखो मैंने ना दैनिक जागरण में आपका ना ये इश्तेहार देखा था इस पोजीशन के लिए कि आपको एक असिस्टेंट इंग्लिश टीचर चाहिए है ना फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट इंग्लिश टीचर फिर उसके बाद कौन सी तारीख को तुमने देखा था वो डेट डाल दोगे फिर उसके बाद आप बताओगे आई विश टू अप्लाई जो भी आप बोलने के बाद फिर डिटेल्स पे आओगे अब डिटेल्स में इंट्रोडक्शन आपने दे दिया डिटेल्स में आप बात करोगे आपका एक्सपीरियंस कितना है अगर मैं बोलूँ की मुझे ऐसे असिस्टेंट टीचर चाहिए या ऐसा असिस्टेंट टीचर चाहिए जिसके पास तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सो आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे वहां पर मुझे तो इतना है ठीक है आप बेटा यहां पर ध्यान रखना कि अगर मैंने बोला मुझे टू ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए सो so, जाहिर सी बात है नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए ना नौकरी तो एक साल का एक्सपीरियंस तो नहीं बोलोगे एक साल का तो नहीं बोलोगे जब मैंने टू ईयर्स का लिख दिया तो आप वहां पर जाहिर सी बात है बोलोगे मेरे पास टू टू फोर ऐसा एक गैप बना करके चलना ये भी मत बोलना मेरे पास साल का एक्सपीरियंस है फिर मैं बोलूंगी आठ साल का एक्सपीरियंस है फिर असिस्टेंट टीचर क्यों बनना चाहते हो फिर अच्छा ही कुछ कर लो खुद ही एक टीचर बन जाओ है कि नहीं समझ रहे हो सो so यहां पर अगर मैंने बोला असिस्टेंट टीचर मुझे ऐसी चाहिए जिसके पास दो साल का एक्सपीरियंस है तो आप इतने में खेलो अपना ज्यादा ना अपनी आ, स्पेक्ट्रम अपना ज्यादा ऐसे फैलाओ मत दो से चार का लिख देना कि आई हैव थ्री ईयर एक्सपीरियंस या फोर ईयर्स एक्सपीरियंस दैट्स इट ठीक है ओके क्वालिफिकेशन बता देना कि मैंने यहां से पढ़ाई करी है ये ये अब ज्यादा डिटेल में मत घुस जाना कि टेंथ में मेरे सिर्फ पचहत्तर आए थे आ तो मेरे एट्टी फाइव सकते थे लेकिन वही ना कि वो शर्मा जी के लड़के ने चीटिंग नहीं करवाई थी अब ये सारी चीजें मत लिखने बैठ जाना ये हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है इन्फॉर्मेशन ये क्वालिफिकेशन में बता दो बेसिकली आपने क्या क्या किया है ग्रेजुएशन कहां से किया मास्टर्स किया तो ये सारी चीजें ठीक है मोटा मोटा सब कुछ बता देना है उसके बाद आपकी प्रीवियस जॉब अगर आप कहीं काम कर रहे थे कि हाँ भाई हम तो एबीसीडी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे पिछले इतने टाइम से बट अब हम स्विच करना चाहते हैं सो कितने टाइम से काम कर रहे थे प्रीवियस जॉब क्या थी फुल टाइम टीचर थे क्या था सब कुछ यहां पर आप प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में मैंशन करोगे आया समझ में हाँ जी अब आते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन में आप रिक्वेस्ट करते हो इंटरव्यू के लिए कि भाई देखो ठीक है अगर आपको सब अच्छा लगा हो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी क्वालिफिकेशन पे फिट बैठता हूँ है ना और आप ना डिटेल में बेटा ये भी बता सकते हो कि आपको क्यों लगता है कि यू आर फिट फॉर द जॉब कि मैं ये रोल अच्छे से कर सकता हूं मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से है मैं इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ है ना ये सब आप अपने आप से बताओगे कि, कि यार देखो तुम्हारी नौकरी के लिए क्योंकि आप ये सोचो आप सच में किसी को लेटर भेज रहे हो तो आप उसे बोलोगे कि यार मैं फिट हूँ तुम्हारी जॉब के लिए मुझे बुला लो इंटरव्यू के लिए ठीक है मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ एवरीथिंग है ना मेरी क्वालिफिकेशन भी एक्सपीरियंस भी है मेरे पास पुरानी जॉब में भी मैंने बहुत अच्छा किया था सब कुछ बताने के बाद कंक्लूजन में आप जब रिक्वेस्ट करते हो इंटरव्यू यानी कि आप यहाँ पर यह कह रहे हो कि सर देखो अच्छा लगे तो मेरे को जिस भी टाइम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा है ना आप जिस भी टाइम बुलाओगे आई एम रेडी आई विल कम फॉर द इंटरव्यू जब भी स्केड्यूल किया जाएगा जो भी मुझे टाइम दिया जाएगा आप ये चीज़ बता रहे हो ये थोड़ी कि हम फिर स्केड्यूल करने के लिए इंटरव्यू आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि आ जाएंगे सर आ जाएंगे हम तो किसी और कैंडिडेट के पास चले जाएंगे सो so, आप यहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी बताते हो कि एम अवेलेबल और यही बोलना आई एम अवेलेबल ज्यादा कोई वहां पर ऐसे पापा की परी नहीं बनेगा कि अरे आप ना ट्वेंटी के मेरे घर में शादी है सो आपने ट्वेंटी के बाद ही मेरे को करना नहीं 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 नहीं, 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 नहीं आप वहां पर लिखोगे कि जब भी आपको सही लगे ठीक है जब भी आप इंटरव्यू स्केड्यूल करो आई एम रेडी एंड आई एल बी देयर ठीक है ना ये लिख करके आना हमको ठीक है उसके बाद थैंक यू योर फेथफुली सिंसियरली नेम एंड खत्म यहां पे लाइन छोड़ करके चीज खत्म उसके बाद एनक्लोजर में आपका बायोडेटा रेज्यूमे सीवी जो भी हम बोलते हैं वो आ जाएगा ठीक है सो कवर लेटर मैंने बताया ना आपको जॉब एप्लीकेशन आएगा लिखनी दोनों चीजें हैं समझ में आया लिखनी दोनों चीजें हैं तो आप बेसिकली अपना कवर लेटर यानी कि जो फॉर्मल लेटर है वो ऐसे लिखोगे अब ये उन बच्चों के लिए था जो मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम हम आत्मनिर्भर हैं हमने मोदी जी की बात बहुत ध्यान से सुनी थी हमें किसी की जरूरत नहीं है सो वेल एंड गुड आप इस तरीके से लिख लेना मैंने छोटी मोटी जो टिप्स ट्रिक्स हैं बता दी बट मेरी ज्यादा जनता मैं सोच रही हूँ कि ऐसी ही है जो उन्हीं लोगों के भरोसे बैठते हैं कि हे hey, प्रभु प्लीज़ या तो कोरोना आ जाए या तो फिर अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाते हैं एक रात पहले कि यार प्लीज़ समझा दे कुछ पढ़ा दे है ना और मैंने कहा ना जो दोस्त हमें एग्जाम से एक रात पहले बैठा करके पढ़ाता है उसको शास्त्रों में भगवान कहते हैं सो so, ये मैं वही तुम्हारे लिए एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ एक रात पहले भी अगर ये बैठ करके वीडियो देख लो तो तुम्हारा जो फाइव मार्क्स है वो तुम्हारी पॉकेट में है भाई कहीं नहीं जा रहे पॉकेट से ठीक है चलो सो so, अब उन स्टूडेंट्स की बात जो भाई थोड़े से डिपेंडेंट है कि तुम ही हमें बता दो तुम ही पार करवा दो पास हो जाएंगे हम बढ़िया ठीक है सो यहाँ पर अब आप देखो ये सब तो बेटा सब कुछ सब कुछ मेरी जान सब कुछ यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन में मिल रहा है उठा करके लिख लेना बारहवीं में आ गए बच्चे नहीं हो ठीक है सो सेंडर एड्रेस डेट रिसीवर एड्रेस कैसे लिखना है अच्छे समझ में आगे चलो सब्जेक्ट भी लिख लोगे सैल्यूटेशन सर मैम भी लगा लोगे बच्चों वाली बात है हाथ थोड़ी पकड़ के लिखवाएंगे क्लियर है आती है मेन मुद्दा बॉडी बॉडी कैसे अपन लिखेंगे बॉडी की बात करते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है सो बॉडी आप कैसे लिखोगे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कैसे आएगा इन रिस्पॉस टू योर यजमेंट इन न्यूज बता दो

आप ये सोचो आप ये मई को 2022 में 15 मई को तुम्हारा मैंने इश्तिहार देखा और मैं ये खत लिख रहा हूं और कब लिख रहा हूं ये खत खत तारीख को लिख रहा हूं क्यों, तुम्हें पहले ही ऐसे क्या डॉक्टर स्ट्रेंज है हम हमें पहली बार चल गया था हमने भविष्य देख लिया था कि एक इश्तेहार आने वाला है कि इंग्लिश विद निकिता या निकिता मैम जो है निकिता सिंह जो है वो एक अपना एडवर्टीजमेंट डालने वाली है उसकी वहां पे वैकेंसी है इंग्लिश असिस्टेंट टीचर की नहीं ना यार स्ट्रेंज हमारे पास शक्तियां नहीं है तो ऑब्वियस में लिख दिया एडवर्टीजमेंट तो so, दैनिक जागरण में देखा इस तारीख को ये तारीख हमेशा आपके आ, उस दिन से पहले का होना चाहिए अगर आप थर्टींथ को एग्जाम लिख रहे हो तो उससे पहले का डालो यानी कि टेंथ में लिख दो यहाँ पर चल जाएगा ट्वेल्थ में लिख दो इलेवेंथ में लिख दो चल जाएगा इतना भी मत पीछे चले जाना कि दस जनवरी अरे जॉब अगर जो पोस्टिंग है जो पूरी वैकेंसी है वो फिल हो गई तो क्या फायदा दो तीन महीने पीछे भी नहीं जाना ऐसे बैलेंस करके चलना ये छोटी सी सिली मिस्टेक है जो हम करते हैं ऐसे बैलेंस करके चलना कि अच्छा खत अगर तेरह मई को लिख रहा हूं तो कोशिश करो दस से तेरह के बीच में या पांच मई से तेरह के बीच में ही लेटर लिख रहे हो ज्यादा पीछे मत जाना महीनों का बीस दिन का दस दिन का गैप मत दे देना समझे वहां पर चांसेस होते हैं कि अब तो यार क्या फायदा लिखने का मिल गई नौकरी भी कर रहा है बंदा वहां बैठ करके अब आप क्यों आए हो इतना लेट ठीक है हाँ सो so, हम यहां पर ये वाली गलती नहीं करेंगे हम यहां पर क्या लिखेंगे हम यहां पर डेट लिखेंगे हमारी कौन सी टेंथ में लिख देते चलो टेंथ में ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो यहां पे इसका क्या मतलब हुआ इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन दैनिक जागरण जो भी न्यूज आपको दिया है क्वेश्चन पेपर में होगा नहीं है तो बना दो इस तारीख को एडवर्टिजमेंट दी है तो ये सारी चीजें क्वेश्चन पेपर से मिलेंगी ठीक है टेंथ में को मैंने देखा था आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कौन सी पोस्ट है क्या पोस्ट है असिस्टेंट इंग्लिश टीचर यही है जी तो हमने लिख दिया ये सब क्वेश्चन से मिल रहा है बेटा बस ये जो मैंने बाकी आपको स्टेटमेंट्स बताई हैं के छाप आ जाना कोई दिक्कत नहीं है आपके चार नंबर नंबर कहीं नहीं गए मैंने वो वो एक एक बोला ना कि क्यों बच रहा है ऐसी गलतियां गलती कर दी तुमने जॉब का अच्छे से सही, से सही नहीं लिखा या मैथ्स टीचर लिख रहा है कोई क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा कि हमने इंग्लिश टीचर की जरूरत है तुम मैथ्स टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो ये गलतियां जो अगर एक परसेंट तुमने करी तो वो एक नंबर वही कटेगा वरना फाइव मार्क्स तुम्हारी पॉकेट में कहीं नहीं जा रहे बस इसको फॉलो करो ठीक है, so, in your reputed that's it. हो गया मेरा introduction. कि भाई मैं आपके जो दैनिक जागरण में आया था इश्तेहार इस, इस तारीख को इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं खत्म अब आती है बॉडी अब हम डिटेल्स यानी कि हमारा मेन अब हम इसमें बात करेंगे कि आई हैव अ टोटल ऑफ कितने सालों का एक्सपीरियंस है तुमको मैंने बोला मुझे दो साल का चाहिए आप कम से कम यहाँ पे तीन से चार लिखोगे थ्री टू फोर इयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर दो साल का एक्सपीरियंस मुझे है लिख डन कर करो इससे ज्यादा मत चले जाना फिर तो मैं ही सोचूंगी कि यार ये क्या कर रहा है यहाँ पर इसे तो खुद एक फुल टाइम टीचर होना चाहिए असिस्टेंट टीचर क्यों बनना चाहता है ठीक है सो आई हैव अ टोटल ऑफ टू टू या थ्री फोर इयर्स का एक्सपीरियंस इन द सेड फील्ड यानी कि जो आप इंग्लिश की बात कर रहे हो ना इंग्लिश टीचर मेरे को उतने का एक्सपीरियंस है उस फील्ड में ओके करंटली आई एम वर्किंग एज अब आपका करंट जॉब करंटली आप कहा काम करो एबीसीडी इंस्टीट्यूट में काम करो करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर विद एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी नाम है एक्स वाई एक्सवाइजेड एबीसी इंस्टीट्यूट वो आप लिख देना ठीक है हो गई आपकी डिटेल्स अब आ गया हमारा कंक्लूजन डिटेल्स में जैसे कि मैंने बताया बेटा क्वालिफिकेशंस लिखना चाहो लिख दो कोई आपको नहीं रोक रहा कोई इसके नंबर नहीं काट रहा एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिल रहे इसके बट हां जो है ना देखो मार्क्स हमारे प्लस नहीं हो रहे ठीक है ध्यान रखना नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए जितना मैंने यहां तक बिल्डअप किया है अगर मेरे यहां तक थ्री नंबर बन रहे हैं तो तीन नंबर मुझे मिलने चाहिए ये नहीं कि ऐसी गलती कर दी कि तीन से भी हम नीचे गिर गए याद रखना ठीक है सो आप यहां पर क्वालिफिकेशन डाल दोगे कोई इशू नहीं है क्वालिफिकेशन डाल दो अपनी ठीक है सारी चीजें बता दो अब आते हैं कंक्लूजन कंक्लूजन कैसे लिखेंगे आई एम एन क्लोजिंग डबल आई आ गया एम वेरी सॉरी छोटी मोटी मेरे से गलतियां हो गई हैं यहां पे जल्दी जल्दी में सो so, माफ करना आई एम एन क्लोजिंग माई बायोडेटा टू एनेबल यू टू मेक एन असेसमेंट ऑफ माई स्यूटेबिलिटी अब यार देखो तुम्हारा कवर लेटर देख करके मैं कैसे मान लू तुम्हारा कवर लेटर देखकर मैं कैसे मान लू कि तुम सही बंदे हो कि तुम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एकदम फिट बैठोगे है ना तुम तो वहां पे कुछ भी कह दो तो यहां पर और मेरे को प्रॉपर तरीके से वहां पे आपका इनसाइट भी तो नहीं मिलता कि कवर लेटर आप समझ रहे हो कि आप जस्ट अप्लाई कर रहे हो आपने उसके ऊपर बेसिक बेसिक बातें कर दी कि मैं ऐसे हूं है ना मैं तीन चार साल का मुझे एक्सपीरियंस है आई प्रूफ मुझे जानना भी तो है उसके बारे में डिटेल मुझे चाहिए कि ये बंदा कह रहा है ऐसा ऐसा सब कुछ सही है इसने कहा, कहा काम किया है क्या, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है आपने कहा मैंने ना इंग्लिश ऑनर्स करा है बट मुझे जानना है कि इंग्लिश ऑनर्स में कितने मार्क्स आए क्या था सब कुछ मुझे डिटेल चाहिए तो उसके लिए बायोडा डेटा चाहिए चाहिए होता है जिसे हम रेज्यूमे सी वी करिकुल विटे बोलते हैं ये सब मुझे चाहिए ही चाहिए होगा ये आप लिखोगे ही लिखोगे साथ में समझे सो यहाँ पर आप वही कह रहे हो कि देखो मैं ना अपना रेज्यूमे बायोडेटा जो भी है लगा करके भेजा हूं साथ में ताकि आप अच्छे से जज कर सको कि मैं सुटेबल हूं इस दी गई पोस्ट के लिए कि नहीं इन केस माई एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड अगर आपको अच्छी लगती है मेरी एप्लीकेशन आई विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एनी टाइम सुटेबल टू यू आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा वो वाले काम नहीं करने की मेरे घर में मेरे चाचा की बेटी की शादी है बाईस तारीख को मैं नहीं आ सकता उसके बाद ही आऊंगा भाई नौकरी मिल रही नौकरी का सवाल है हर किसी को नहीं मिलती है ठीक है हम इंडिया में हैं हाँ, सो याद रखो जब बुलाएंगे तब हम आ जाएंगे ऐसा बोल के क्या खत्म तुम्हारा लेटर सिंपल सिलेक्टेड ये लास्ट की कुछ एश्योरेंस वाली बातें हैं कि देखो अगर मैं कर अगर आप मेरे को सिलेक्ट कर लेते हो मैं जितनी मेरे में पूरी क्षमता है पूरा डेडिकेशन सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा ताकि आपको पूरी सेटिस्फेक्शन रहे ये क्लोजिंग लाइन है लाइन छोड़ के थैंक यू फेथफुली नाम निकिता या स, निखत सुनीता सुनील जो भी है खत्म लास्ट में बना दो तो फॉर्मल लेटर समझ में आया सभी को कवर लेटर कैसे लिखेंगे हम ये ये बेटा तो जो बच्चे अपने आप से आत्मनिर्भर हैं वो भी याद रखें क्या गलतियां नहीं करनी है वो याद रखें और कैसे 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 लिखना है क्या क्या लिखना है वो मैंने बता दिया और जो बच्चे थोड़ा सा आत्मनिर्भर नहीं है जो थोड़े से निर्भर है उनके लिए तो पूरा पूरा मैंने बता दिया है एज इट इज आप लिख करके आना बस क्या याद रखना है ये चीजें कहां कहां मैंने डैश दिया है दैट इज गिवन टू यू क्वेश्चन पेपर ध्यान से रीड करोगे तो मिलेगा ठीक है बस ये गलतियां थोड़ी बहुत याद रखना एकदम बढ़िया से हमारा जो पूरा लेटर है तैयार है क्लियर कि नहीं सबको आ रहा है समझ में किसी को कोई दिक्कत है तो ये है आपका कवर लेटर का फॉर्मेट बेटा अगर कुछ पूछना चाहो तो मुझसे पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़े चलिए सो ये आपने पूरा लिख लिया आपने बॉडी बता दी आपने डिटेल बता दी आपने कंक्लूजन भी दे दिया उनको और खत्म हुआ अब, आते है अब आता है कि कुछ स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि आप एकदम अभी, अभी फ्रेशर हो अभी अभी अपने इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज से पास आउट किया है और आप जॉब के लिए हंट कर रहे हो और आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट देखने को मिल गया जो फ्रेशर्स हायर कर रहा है उस केस में हम क्या लिखें एक्सपीरियंस तो है नहीं क्या लिखेंगे सो so, अब उन बच्चों को मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखना है सेम है सब कुछ सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है ना फिर लाइन छोड़ करके डेट ये सब कुछ सेम है बॉडी में चेंजेस है लाइन छोड़ करके रिसीवर्स एड्रेस फिर लाइन छोड़ के सब्जेक्ट फिर सैल्यूटेशन फिर आती है बॉडी सो बॉडी में हम क्या लिखेंगे और उसके बाद तुम्हें थैंक यू वगैरह बोलना है ये जानते हो बॉडी में क्या लिखेंगे देखो इन रिस्पॉन्स टू योर यजमेंट इन द न्यूज पेपर जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को असिस्टेंट टीचर चाहिए लेकिन जो अभी अभी पास पास आउट है जिसके एक्सपीरियंस नहीं है मैं एक फ्रेशर को चांस देना चाहती ठीक है सो उस केस में मैंने अगर एडवर्टीजमेंट दे दिया है दैनिक जागरण में सेम केस उठाते हैं कैसे लिखोगे इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट इन दैनिक जागरण डेटेड अब डेट याद है ना बेटा कौन सी डेट लिखेंगे वो वाली गड़बड़ कहीं नहीं करनी टेंटी ट्वेंटी टू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंग्लिश टीचर यहां पे आप लिख दोगे In your reputed organization, I wish to offer my candidature. I am enclosing a copy of my biodata resume for your personal and consideration. Khatam. अब यहाँ पे मैं क्या डिटेल बताऊँ मैं क्या क्वालिफिकेशन में क्या चीजें बताऊ क्या एक्सपीरियंस बताऊँ क्या प्रीवियस जॉब के बारे में बताऊँ जब मैंने किया ही नहीं है तो इतना लिख दो खत्म है कोई दिक्कत नहीं कि मैंने यहाँ पे इंट्रो दि, इंट्रो दिया कि मैंने ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखा ऐसे ऐसे मेरे को इंटरेस्ट आया है आई वॉन्ट टू डू इट आपने सिंपल सी बात बता दी बताने के बाद खत्म करो बात को कि मैंने देखो बाकी चीजें जो जाननी है बायोडेटा लगाया है पढ़ लेना उसको सिंपल सो यहाँ पर देखो ये लिख दिया तुमने ये आपका हो गया इंट्रो प्लस डिटेल सारी आपने बता दी साथ में आप कंक्लूड कर दो कि इन केस अब लेटर आप बायोडेटा तो हम पढ़ लेंगे अब आप लास्ट में लिख रहे कि इन केस माई एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड आई विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एनी टाइम सूटेबल टू यू ये तो लिखना ही लिखना है कि जब भी अगर आपको मेरा बायोडेटा पसंद आता है जब बुलाओगे हम तब आ जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी में बनाया तुम्हारे लिए बट हाँ मैंने कोई डिटेल मिस आउट नहीं करी है छोटी बोटी मिस्टेक्स है आप ध्यान रखना ठीक है so, सो बन गया तुम्हारा पूरा थैंक यू यूर फेथफुलटा फिर बायोडेटा बना देंगे हम सो so, दोनों केस में तैयारी हो गई है ना अगर

यही तो सुनना है यार है ना यही तो सुनना है तो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है काम करवाना चाहता है कि ये you, कियोडेटा कैसे लिखते हैं बायोडेटा बहुत सबसे पहले बायोडेटा बोलो सीवी रेज्यूमे ठीक है पर्सनल इन्फो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल जानकारी आपका नाम क्या है ठीक है जो भी आपका नाम है फिर उसके बाद आप अपना डी भी डालोगे मैं तो नहीं लिख रही यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स फिर पढ़ जाएंगे एकदम पीछे मैम लिखो 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 नहीं नहीं आपका जो भी है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें कि जीरो फर्स्ट जनवरी ठीक है ट्वेंटी छोटा ट्वेंट, दो साल का बच्चा भी नहीं याद रखना डेट ना वैसे जरूरी होती है ताकि हम जान सकें कि तुम्हारी डेट क्या है ठीक है फॉर ऑफिशियल पर्पस ठीक है तो अब अगर अपन यहाँ पे लिख देंगे एटीन एटी नाइन जो भी है तुम्हारी लिखा है ठीक है सो निकिता सिंह डी भी लिखोगे एड्रेस अपना डाल दोगे एज अपनी बता दोगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे ठीक है जो भी टेन डिजिट्स का होता है सो so ऑन सब कुछ लिखते हुए चलोगे ईमेल e बता दोगे जो भी आपकी ईमेल होती है नेशनैलिटी इंडियन है अपन मैरिटल स्टेटस सिंगल वगैरह जो भी आपका आना है यहां पर बेटा सारी चीजें अपने बायोडेटा में लिखोगे ये आपका बनता है पर्सनल इंफॉर्मेशन ये आपको बतानी ही बतानी है ठीक है फिर आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब मुझे पता तो चले मुझे पता है कि यार यहाँ पे जो है एक अनिल नाम का बंदा जो है अप्लाई कर रहा है अनिल कहाँ रहता है इंडिया में रहता अनिल है अनिल का एड्रेस कहाँ अनिल न्यू दिल्ली में रहता है मुझे सब पता चल गया अब मुझे उससे क्या मुझे तो जानना है कि अनिल क्या सही से काम कर पाएगा का उसकी क्वालिफिकेशन है मैं यहां से जानूंगी और क्वालिफिकेशन टेबल से ही बनेगी टेबल इज नेसेसरी मस्ट यू मस्ट ड्रॉ द टेबल ऐसे बिना बात के लिख करके मत आ जाना अपनी मर्जी से टेबल बनाना सबसे पहला कॉलम होगा नेम ऑफ ऑफ एग्जाम बोर्ड एंड एंड यूनिवर्सिटी ईयर पासिंग परसेंटेज ये जरूरी है ठीक है इसको पीछे बैकवर्ड में चलते हैं हाँ, बैकवर्ड में चलते हैं हम लोग ठीक है अभी मास्टर्स करिए सबसे पहले मास्टर्स नहीं आप ऐसे लिख देना टेंथ करी पहले ट्वेल्थ करी फिर बैचलर्स फिर, फिर, फिर मास्टर्स ठीक है क्लियर ये स्किप कर रहे हैं, समझ में आता है बैचल बारहवीं पास को कोई जॉब नहीं देता याद रखना क्वेश्चन में लिखा होगा सारी चीजें इतना तो आपको बना करके चलना है ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हो मास्टर्स लेकिन टेंथ ट्वेल्थ बैचलर्स तो बता नहीं बताने टेंथ कौन से बोर्ड से करी सीबीएसई से करी एक साल में हो गई थी ट्वेल्थ कहां से करी सीबीएसई में करी एक साल में हो गई थी बैचलर्स तीन से चार साल में होती है कोई इंजीनियर है तो चार साल लेगा किसी ने बी कॉम करी है तो फिर वो तीन साल में खत्म कर लेगा है ना मास्टर्स की डिग्री दो या एक साल में खत्म हो जाती है याद रखना यह सारी चीजें ईयर ऑफ पासिंग पता होना चाहिए और अगर आप यहाँ पे ईयर भी लिखते हो कि दो में मैंने ये कर ली थी दो में ये कर ली थी ये भी याद रखना क्यों क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए कि टेंथ और ट्वेल्थ में तुम्हारा चार साल का गैप है दो साल क्या किया था फेल हुए थे क्या हुआ था इसका ध्यान रखना सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए स्टार लिख रही हूं, मस्ट. टेबल में ही करेंगे, नीट एंड आईडी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है हमें हमारा राइटिंग का पूरा पार्ट जो है वो प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट पर ही टिका हुआ है सो दिस इज योर फॉर्मेट है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हारी एजुकेशन तुमने कहां तक करी है 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 क्या क्या है? वो सब कोई अकाउंटेंट की जॉब के लिए जा रहा है अच्छा यहां पर याद रखना कि बैचलर्स डिग्री मैच करनी चाहिए मुझे असिस्टेंट इंग्लिश टीचर चाहिए इंग्लिश ऑनर्स लिख देना बैचलर्स करी थी इंग्लिश ऑनर्स में अगर मुझे मैं सीए की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो फिर ये नहीं लिखोगे बीकॉम आप फिर वहां पे बताओगे कि आपने सीए भी कर रखा है कि बीकॉम का बंदा सीए की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है सीए कर उसने करी नहीं है सर so, ये चीजें याद रखनी डॉक्टर डॉक्टर के उसके लिए जा रहे हो एमबीबीएस सो आपको पता होना चाहिए किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए कौन सा कोर्स हम करते हैं ठीक है आया समझ में ना समझ में आए तो सब्जेक्ट उठा लेना हमें अगर कंप्यूटर का बंदा चाहिए लिख देना मैंने कंप्यूटर में मास्टर्स करी है या मैंने बैचलर भी जो है कंप्यूटर में करी थी ठीक है तो इस तरीके से सेफ से प्ले कर सकते हो मार्क्स नहीं कटेंगे इसका ध्यान रखना और इसी के साथ लास्ट में आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि एक्सपीरियंस जो है एज गिवन इन क्वेश्चन है ना कि आपको चार साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें मुझे चाहिए कि दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट टीचर के पास तो आप यहां पर तीन से चार साल का एक्सपीरियंस बता देना या फिर सिंपल साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बता के खत्म करो ठीक है ना experience? आप उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से मैच करके चलना जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ना डाले कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं ठीक है तो वो स्किप करेगा रेफरेंस अच्छा ये रेफरेंस होता है हमें पता लगाने के लिए आपके बारे में ठीक है तो यहां पर आप ना रेफरेंस दोगे किसी बंदे का बताओगे उसका नाम क्या है रिलेशन क्या है फोन नंबर एड्रेस ताकि हम पता लगा सके कि भाई पुरानी जॉब में सही था काम मामला बढ़िया था कि नहीं तो आप दो रेफरेंस के लिए देते हो कॉन्टैक्ट वो आप यहां पर बता करके चलोगे सिंपल अपना बायोडेटा एंड कैसे करोगे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द गिवन इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट या ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नाम लिखा अपना निकिता सिंह और साथ ही साथ आप यहां पर अपने सिग्नेचर डाल दोगे ठीक है खत्म हो गया एंड होता है यहां पर सो so गाइस ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉर्मेट पर ध्यान देना बेटा सारी एक, एक चीज मैंने हाथ पकड़ के तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है एक एक वर्ड एक एक लेटर कहां पर कैसे आना है ठीक है so, सो पूरा का पूरा फॉर्मेट विदाउट एक्सपीरियंस और विद एक्सपीरियंस फॉर्मल लेटर का होता है हम लोग सेंडर डेट रिसीवर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन ऑफ बॉडी बॉडी में फर्क आता है वो भी मैंने बता दिया है कहां पे फर्क आएगा एक्सपीरियंस वाला बंदा एक्सपीरियंस लिखता है और विदाउट एक्सपीरियंस वाला बंदा उसको स्किप कर देता है उसके अलावा क्या चीजें हम याद रखते हैं उसके अलावा हम जो चीजें याद रखते हैं वो सिंपल आप इंट्रोडक्शन में बताओगे आपने कहा देखा ये डेट का ध्यान रखना ठीक है और कंक्लूड करते वक्त आप बोलोगे कि मैं तैयार हूं जब भी बुलाओगे मुझे मैं आ जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा दोनों केसेस में विद एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस विद लास्ट में योर्स थैंक यू योर्स फेथफुली नाम लिख करके एनक्लोज बायोडेटा बायोडेटा ऐसे बनेगा सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में ये सारी चीजें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐसे बनता है टेबल मस्ट है इस तरीके से टेबल बनाना ठीक है इन चीजों का याद रखना ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए पढ़ाई में दसवीं करी बारहवीं करी ओ, साल का गैप ले लिया कैसे दो साल का आता है ना याद रखना फिर बैचलर्स कहीं पांच छह साल बाद कर रहे ये सही नहीं है इन सबका ध्यान रखेंगे बस उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बता करके रेफरेंस दे देंगे दो लोगों का रेफरेंस चाहिए होता है यहाँ पे आप किसी का भी नाम कोई भी नंबर लिख कर क्या वरना लास्ट में ऐसे स्टार स्टार बना देना नंबर में ठीक है लास्ट में लिखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो मेरे हिसाब से सब कुछ सच है मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ नाम सिग्नेचर खत्म सो so, अब यहाँ पे क्लास खत्म नहीं हो रही है आपके लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया है सॉरी क्वेश्चन बनाया है आपका होमवर्क है गाइस प्लीज इस होमवर्क को जरूर करके आना और होमवर्क करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आई कोई डिफिकल्टी तो फेस नहीं करी इसका स्क्रीन ले लीजिए ये आपका क्वेश्चन है ठीक है और इसी के साथ ये रही आपकी एडवर्टीजमेंट इस एडवर्टीजमेंट को देख करके आप लिखोगे आपका पूरा का पूरा वर लेटर एंड बायोडेटा ठीक है एंड थैंक यू सो मच इसी के साथ अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगी होमवर्क जरूर करके आना क्योंकि स्किल है प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप होती है आई एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास तब हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन राइटिंग का हमारा राइटिंग सेक्शन का सॉरी हमारा दूसरा पार्ट तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच